हेलो गाइस, तो लॉकडाउन चल रहा है आजकल कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो इस लॉकडाउन के दौरान मैंने सोचा क्यों ना अपना एक स्टोरी वर्ल्ड तैयार किया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने एक मैप तैयार किया है अपनी स्टोरी के लिए। देखिए, जब भी हम कोई फैंटेसी कहानी लिखते हैं, मतलब जिसमें काल्पनिक दुनिया हो, पहले तो हम एक बेसिक थीम लाइन सेटअप करते हैं कि हमारा वर्ल्ड किस टाइप का होगा, थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं। उसके बाद उस इमेजिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ऑन पेपर बढ़ाने के लिए, सबसे पहले जो हमें ज़रूरत होती है वो होती है एक मैप की। तो आज हम देखेंगे कि हम एक फैंटेसी मैप आउट ऑफ नोवेयर कैसे हम तैयार कर सकते हैं। अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक रफ शीट, एक पेन और थोड़े से राजमा या दाल। सोच रहे होंगे आप, राजमा या दाल से क्या होगा? मैजिक एक्चुअली इन्हीं से होगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अपनी शीट स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर हम अंदाजे से राजमा बिखेर देंगे। राजमा भी ले सकते हैं आप, दाल भी ले सकते हैं, मतलब जो दानेदार चीज़ें हैं ना वो हम ले सकते हैं, बीज भी ले सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, अपनी स्टोरी के हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि हमारी स्टोरी में लैंड ज़्यादा है या वाटर ज़्यादा है या दोनों का हमारा बैलेंस है। तो सोच के चलते हैं कि हमारी स्टोरी में दोनों ही महत्वपूर्ण है। आइलैंड भी हैं जिसमें बड़े लैंड एरियाज भी हैं, समुद्र भी हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको बिखेर लेते हैं। चलिए, तो एक इमेजिनेशन के बेस पे हमने इस तरह का एक तैयार कर लिया है नक्शा। तो अभी तो मतलब हमने राजमा बिखेरा है, तो सबसे पहले अब हम क्या काम करेंगे, इसके बाद अपनी पेन लेंगे और इस नक्शे के चारों तरफ, राजमा के दानों के चारों तरफ हम रैंडमली पेन से स्केच करेंगे। जो बीज हमारे बाहर बच गए हैं वे हमारा आइलैंड बनाने का काम करेंगे। हम ये इसके बेस पर छोटे छोटे आइलैंड हम बना सकते हैं। तो हमने मोस्टली आउटलाइंस बना ली हैं, तो अब हम अपने जो दाने हैं उनको हटा देते हैं। तो हमें एक अच्छी खासी आउटलाइन मिल गई है, ये एरिया हमारा जो है लैंड हो गया, ये हमारा समुद्र हो गया और ये हमारे छोटे छोटे आइलैंड हमें मिल गए। तो जब हमें आउटलाइन मिल गई तो काफ़ी हद तक हमारे दिमाग में हम स्टोरी डेवलप कर सकते हैं अपने। जैसे कि हमारा ये इसको डॉटेड करके मिला दिया, ये जो ज़मीन है ये हमारी राक्षसी योद्धाओं की ज़मीन है, और ये जो हमारा है ये हमारे बेचारे भूत के नाम से ये इनकी ज़मीन है। इसी तरह से करके हम अपने इमेजिनेशन और अपनी कहानी के हिसाब से जो हम चाहते हैं उस तरह के अपने वर्ल्ड बना सकते हैं अलग अलग, और उसके बाद हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पर्वत कहाँ होंगे। तो इस तरह से करके हम फॉरेस्ट दिखा सकते हैं, रेगिस्तान दिखा सकते हैं और अपनी स्टोरी को इस वर्ल्ड के अंदर हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड तैयार कर सकते हैं। इसका फायदा ये रहता है कि हमें अपनी स्टोरी को एक डेप्थ मिल जाती है, हमें एक आधार मिल जाता है जिसके बेस पर हम काम कर सकते हैं, अपनी स्टोरी आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिनेंट्स डिवाइड कर सकते हैं, फैक्शंस बना सकते हैं, उसमें हम पहाड़ी इलाके दर्शा सकते हैं, नदियां दर्शा सकते हैं, शहर दर्शा सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, और एक पॉइंट पे जाके वो नक्शा जो है वो खुद ब खुद कहानी एक बार को बोलना शुरू कर देता है। तो काफ़ी फायदे होते हैं इस तरह से अपना एक नक्शा तैयार करने के जब हम एक फैंटेसी कहानी पर काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।